सॉरी। तो कल का अपना जो क्वेश्चन था ओके वो मेरे ख्याल से काफ़ी बड़ा क्वेश्चन था जिसका मैंने आप लोग को वो डेमोन्स्ट्रेशन दिया था ओके। अभी उसके ऊपर अपने को क्वेश्चन करना है ओके। सो लेट्स स्टार्ट वे बाय डूइंग दैट क्वेश्चन। सुनो ये वाला जो क्वेश्चन है थोड़ा सा सिंपल है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे दो प्रोसेस हैं और फिनिश गुड्स है। इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है वहाँ पर अपने पास तीन अकाउंट है, मतलब तीन प्रोसेसेस हैं और उसके बाद एक फिनिश गुड्स है। इन क्वेश्चंस के अंदर अगर ऐसे क्वेश्चंस आते हैं स्टॉक रिजर्व वाले जो हम लोगों ने कल किए थे, उनके अंदर एबनॉर्मल लॉस, नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल गेन नहीं आने वाला है। सो डोंट बॉदर योरसेल्फ अबाउट दैट कि अगर आ गया तो दे विल नॉट बी आस्किंग ओके। दे विल डायरेक्टली जस्ट आस्क यू टू प्रिपेयर द अकाउंट्स एंड नथिंग एल्स। सो हम लोग वही वाला काम करने जा रहे हैं। लेट्स स्टार्ट अवे विद क्वेश्चन नंबर 9 ओके। अभी ये वाला क्वेश्चन ध्यान देना क्योंकि इसके बाद वाला जो होमवर्क सेक्शन का क्वेश्चन है वो तुम लोग आज क्लासरूम के अंदर ही करने वाले हो, ठीक है? बट बाय योरसेल्फ यू ऑल ये पढ़ना स्टार्ट करो। क्वेश्चन नंबर 9, ए लिमिटेड प्रोड्यूसेस प्रोडक्ट एक्स व्हिच पासेस थ्रू टू प्रोसेसेस बिफोर इट इज कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर्ड टू फिनिश स्टॉक। चलो ठीक है आगे। द फॉलोइंग डेटा रिलेट्स टू अक्टूबर। तो ये वाला डेटा अक्टूबर एक महीने का है। प्रोसेस 1, प्रोसेस 2, फिनिश स्टॉक। तो यहाँ पे प्रोसेस 3 करके कुछ नहीं है। ओपनिंग स्टॉक मतलब ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP। प्रोसेस 1, अभी तक कोई भी क्वेश्चन के अंदर WIP स्टॉक नहीं आया था। ये पहला क्वेश्चन है जहाँ पे प्रोसेस का ओपनिंग स्टॉक आ रहा है। मेरे ख्याल से ये वाला चीज़ों को वैसे भी वो डालना ही पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन स्टॉक रिजर्व के ऊपर वो होने वाला है। ओपनिंग स्टॉक, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट पेजेस, फैक्ट्री ओवरहेड्स, क्लोजिंग स्टॉक। हमें को एक क्वेश्चन का आंसर देना। इंटर प्रोसेस प्रॉफिट इंक्लूडेड इन ओपनिंग स्टॉक। मेरे को बोलो प्रोसेस 1 के लिए होना भी नहीं चाहिए कि ये एक प्रिंटिंग एरर है और होना चाहिए। प्रोसेस 1 के ओपनिंग स्टॉक के अंदर स्टॉक रिजर्व होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कि प्रिंटिंग एरर है? नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। मेरे को बोलो क्यों नहीं होना चाहिए? क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि प्रोसेस 1 ने कोई और प्रोसेस से माल नहीं खरीदा, ये तो पहला वाला प्रोसेस है ना। सो ऑफ कोर्स इन दिस केस यहां पे स्टॉक रिजर्व नहीं हो सकता। प्रोसेस 2 के अंदर होएगा, उसका ओपनिंग स्टॉक कितने का है? 9000। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, फैक्ट्री ओवरहेड्स, क्लोजिंग स्टॉक। इंटर प्रोसेस प्रॉफिट इंक्लूडेड इन ओपनिंग स्टॉक। तो 9000 के अंदर 1500 रुपए का वो स्टॉक रिजर्व है, ठीक है? मेरे को जरा बोलो वैसे ये 1500 मस्ट बी द प्रॉफिट। मेरे को बोलो ये वाला प्रॉफिट किसने कब कमाया रहेगा? प्रोसेस 1 ने, जब उसने प्रोसेस प्रोसेस 2 को ट्रांसफर किया था। इज दैट ओके? आगे फिनिश स्टॉक के अंदर 22500 है, क्लोजिंग स्टॉक इतना है। इंटर प्रोसेस प्रॉफिट इंक्लूडेड इन ओपनिंग स्टॉक। कल भी तुम्हारा पोपट हुआ था, आज पोपट मत करना। मेरे को बोलो ये वाला प्रॉफिट किसने कब कमाया रहेगा? ये प्रोसेस 1 और 2 का कंबाइंड प्रॉफिट होगा जब उन लोगों ने रिस्पेक्टिवली ट्रांसफर किया रहेगा, ठीक है? आगे आउटपुट ऑफ प्रोसेस 1 इज ट्रांसफर टू प्रोसेस 2 at 25% on transfer price। आगे लिख के रखो। मेरे को बोलो 25% in terms of fraction is how much? 1/4। It is 1/4 no? तो लिखो 1/4 of cost और एक मिनट मैं क्या पागल हूं? 1/4 ऑफ, मैंने बोल ही दिया एक्चुअली, चलो ठीक है। 1/4 ऑफ ट्रांसफर प्राइस और आगे बोलो ना 1/3 ऑफ कॉस्ट, ठीक है? आगे आउटपुट ऑफ प्रोसेस 2 इज ट्रांसफर टू फिनिश स्टॉक एट 20% प्रॉफिट ऑन ट्रांसफर प्राइस। तो 20% बोले तो 1/5 ऑफ TP दैट विल बिकम 1/4 ऑफ कॉस्ट, ठीक है? यू कैन राइट डाउन दिस वरना इफ यू ऑल नो इट्स ओके। देखो स्टॉक्स इन प्रोसेस आर वैल्यूड एट प्राइम कॉस्ट। दिस लाइन इज सुपर इंपॉर्टेंट फॉर द एंटायर क्वेश्चन, ठीक है? ये वाला जो चीज है यहां पर बराबर से उसको अंडरलाइन कर लेना। और आगे ये वाला जो लाइन है ना, कल अपने क्वेश्चन के अंदर बहुत बार हुआ था। फिनिश स्टॉक इज वैल्यूड एट द प्राइस एट विच इट इज रिसीव फ्रॉम प्रोसेस 2। कल का तुम लोग को एक लाइन याद होगा, every department values the stock at their cost. Finished goods department will also value the stock at their cost. Their cost will also mean sales of department 2, no? Yes. Okay, so sales of department 2 becomes cost of the finished goods department. ठीक है, ये वाला line उन लोगों ने अपने को दिया हुआ है, thank you, वरना honestly this line is not required. ये वाला चीज होएगा ही होएगा, ये हमेशा ही होता है. Sales during the period are 1,40,000. You are required to prepare process cost accounts and finished goods account or trading account, showing the profit element at each stage. Also find out realized profit and show stock valuation for balance sheet purpose. ये जो realized profit है तुम लोग को याद होगा, कल मैंने एक अलग से कॉलम बनाया था ब्लू के अंदर, तो वहां पर भी realized profit आ गया था, वरना मैंने बाद में एक costing profit and loss account भी बनाया था. costing P&L account से अपने को realized profit मिल जाता है और आप एक stock valuation भी करवा डालना. तो चलो ठीक है, तो we'll start away with the things as such. Okay, तो यहाँ पर let's continue. तो ये वाला जो काम है हम लोग स्टार्ट हो जाते हैं. तो सबसे पहले अपने को प्रोसेस अकाउंट चाहिए. सुनो तुम लोग एक काम जरा करो, इन योर नोटबुक्स यू ऑल राइट डाउन, लिखो इन द बुक्स ऑफ ए लिमिटेड. ये वाला एक्चुअली नहीं भी लिखोगे इट्स ऑल ओके, लेकिन अभी वो बोल दिया तो लिख लो. चलो इन द बुक्स ऑफ ए लिमिटेड, ब्रैकेट में लिख लेना अक्टूबर, ब्रैकेट में लिख लेना अक्टूबर. ठीक है, सुन नेक्स्ट टाइम पे लिखो प्रोसेस 1 अकाउंट. और ना अभी क्या कर रहा हूं, कुछ एक स्पेशल काम करने वाला हूं. ठीक है, ये वाला जो स्पेशल काम है ये क्या है, ध्यान से सुनना. मैं ना अकाउंट अभी वैसा नहीं बना रहा हूं जैसे आप लोगों ने पिछले बहुत सारे क्वेश्चंस के अंदर बनाया. कोई बोलते है सर तभी क्वांटिटी का कॉलम बनाया, अमाउंट का. अब जरा सोचो इस क्वेश्चन के ना क्वांटिटीज तो है ही नहीं बेटा, पूरा क्वेश्चन पढ़ लिया क्वांटिटीज तो मिला ही नहीं, तो जाने दो. तो क्वांटिटीज अगर नहीं मिला तो ये वाला काम फिर नहीं करेंगे और क्या, तो क्वांटिटी वाला कॉलम छोड़ देते हैं. ठीक है, तो फिर सिर्फ अमाउंट वाला ही कॉलम बनाएंगे. सुनो ऑनेस्टली मैं सिर्फ अमाउंट वाला कॉलम ही बनाता, लेकिन ना मेरे को बाद में स्टॉक रिजर्व निकालने के लिए बहुत सारे वर्किंग नोट्स बनाने पड़ेंगे. ताकि वो वर्किंग नोट्स ना बनाने पड़े, मैं यहाँ पे दो और कॉलम बना रहा हूँ, कॉस्ट और प्रॉफिट. ठीक है, एंड दिस अकाउंट नो आई विल ट्राई टू मेक ऑन सिमिलर लाइंस एज हाउ योर पासबुक बिहेव्स. पासबुक के अंदर टू और बाय एक ही कॉलम के अंदर आता है, तो आई एम गोना बी डूइंग लाइक दैट. उसका कोई रीजन नहीं है एक्सेप्ट अगर मैं ये तीन कॉलम डेबिट और क्रेडिट साइड दोनों के अंदर तो वो बनाऊंगा ना, इट बिकम्स टू बिग यार, अपने को 8 कॉलम की जरूरत पड़ती है, इट बिकम्स टू मेसी. ओके, तो यहाँ पे टू एंड बाय आई एम गोइंग टू बी राइटिंग ओवर हियर ओनली. सबको समझ में आ गया? यस सर. ठीक है, सुनो एक और चीज सुनो, ये वाले जो दो कॉलम्स हैं अगर आप लोग ये वाला चीज नहीं बनाओगे, मेरे को चलता है ठीक है, मेरे को वो चलेगा, लेकिन अगर ये वाला चीज जो है अगर बनाओगे ना, इट्स ओनली दैट तुम्हारे स्टॉक रिजर्व के वर्किंग नोट्स जो हैं वो उन चीजों की अपने को जरूरत नहीं पड़ेगी, यहीं पे सब कुछ कंप्यूट हो जाएगा. इन रियल लाइफ सिर्फ यही वाला कॉलम बनेगा. मैं इसको ना फाइनेंशियल कॉलम बोल रहा हूं, मतलब रियल कॉलम. ठीक है, जो हर एक कंपनी बनाएगा फाइनेंशियल कॉलम. ठीक है, उसके बाद ये जो कॉस्ट है, ये जो कॉस्ट है मैं क्या करूंगा, इन अमाउंट्स के अंदर अगर कोई भी डिपार्टमेंट का कुछ भी प्रॉफिट है तो वो मैं यहां पे लिख दूंगा. सो देयरफॉर दिस इज प्रॉफिट ऑफ एनी डिपार्टमेंट. ठीक है, अगर इसके अंदर से मैं ये वाला चीज निकाल देता हूं ना, आई विल अराइव एट कॉस्ट टू द कंपनी. ठीक है, ये कॉस्ट टू द कंपनी मेरे को एक चीज के लिए तो डायरेक्टली ही काम में आ जाएगा. कोई मेरे को एडवांस के अंदर बोल सकता है किधर काम में आ जाएगा? मेरे को बैलेंस शीट के अंदर आई हैव टू बी राइटिंग एट स्टॉक्स टू द कंपनी, नो, स्टॉक्स एट कॉस्ट टू द कंपनी. तो ये वाला चीज अपने को डायरेक्टली काम में आ जाएगा. ठीक है, आप लोग ये वाला जो अकाउंट है ना तकरीबन हाफ साइड के लिए तो वो बना लो, ये ऐसा बना लो सब लोग. एक ये वाली जो चीजें हैं ना ये लिख के रखना प्लीज, कॉस्ट टू द कंपनी, प्रॉफिट ऑफ एनी डिपार्टमेंट एंड अमाउंट के अंदर फाइनेंशियल कॉलम. एग्जाम्स के ना मत लिखना, लेकिन अपने लिए लिखो इधर. चलो सुनो, सुनो, अगर ये वाला अकाउंट हम लोग ऐसे नहीं बनाते ना, तो ये वाला अकाउंट हम लोग ऐसे बनाते, प्रोसेस अकाउंट या फिर WIP अकाउंट। ठीक है, WIP 1 अकाउंट। प्रोसेस अकाउंट इज शॉर्ट फॉर्म ऑफ वर्क इन प्रोसेस। रैशनली WIP अकाउंट आज तक तुम लोग को नहीं बोला क्योंकि सम्स के अंदर नहीं था, लेकिन अभी धीरे धीरे आना स्टार्ट हो जाएगा। एक यहाँ पे आएगा ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP अकाउंट हैज टू स्टार्ट विद ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP। उसके बाद डेबिट साइड पे मैक्सिमम 4 खर्चे आते हैं बेटा। कौन से 4? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस और उसके बाद फैक्ट्री ओवरहेड्स। ठीक है, अच्छा उसके बाद जो भी कंप्लीट हो जाएगा वो चला जाएगा WIP 2 को। ठीक है, और जो कंप्लीट नहीं होगा वो ऐसे रह जाएगा। ये तुम्हारा आज तक का अकाउंट था, हम लोगों ने हर क्वेश्चन के ना ऐसे किया। हाँ, शायद अभी तक क्वेश्चंस के अंदर ये और ये वाला चीज नहीं आया, लेकिन ठीक है तो आ भी सकता है। ठीक है, अभी एक और चीज तुमको बोलता हूं, और कल अराउंड मैंने 30 मिनट्स उसी के बारे में बात किया था। नाउ वी आर नॉट ट्रीटिंग फैक्ट्रीज और प्रोसेसेस एज कॉस्ट सेंटर्स, वी आर ट्रीटिंग देम एज प्रॉफिट सेंटर्स। तो हम लोग जब भी ट्रांसफर करेंगे ना, हम लोग मार्कअप प्राइस के ऊपर करेंगे। तो दिस फिगर विल बी हायर देन कॉस्ट, एंड इफ दिस फिगर विल बी हायर देन कॉस्ट, डेबिट साइड पे कुछ ना कुछ प्रॉफिट भी जनरेट होगा, और ये वाला जो प्रॉफिट है ये किधर ट्रांसफर हो जाएगा? कॉस्टिंग P&L अकाउंट। इज दिस ओके? इज दिस ओके? हम लोग यही वाला काम, बिल्कुल यही वाला काम करने वाले, एग्जैक्टली सेम। इट्स ओनली दैट आई एम ट्राइंग टू प्रिपेयर द थिंग्स इन अ कॉलमनर मैनर एंड नथिंग एल्स। ठीक है, ऑल्दो तुमको एक और चीज बोल सकता हूं, प्रोसेस 1 के लिए ना ये वाला फॉर्मेट जब खत्म भी हो जाए ना, तुमको समझ में आएगा सर ये फॉर्मेट आपने फालतू के अंदर ही बनाया, क्योंकि ना प्रोसेस 1 के अंदर वैसे भी स्टॉक रिजर्व्स का फंडा नहीं आता, वो तो प्रोसेस 2 से आता है। बट आई हैव डन दैट ताकि ऑल द अकाउंट्स लुक सेम, देयर इज नो अदर रीजन। ठीक है, तो स्टार्ट हो जाते हैं। तो सबसे पहले ये वाला आइटम वी आर स्टार्टिंग राइट नाउ। तो यहां पर आप लोग जरा लिखो टू ओपनिंग स्टॉक राइट नाउ। अच्छा, ओपनिंग स्टॉक प्रोसेस 1 का 7,500 है। हम लोग को इन रियलिटी बेटा यही कॉलम की जरूरत है। सामने भी जो अपने को फिगर्स दिया है यही वाला फिगर्स दिया रहेगा, वो बहुत ऑब्वियस बात है, क्योंकि दिस इज द ओनली कॉलम दैट इज मेड इन रियल लाइफ। ओके, अभी 7,500 के अंदर सामने भी वही बोला, इंटर प्रोसेस प्रॉफिट इज 0, सो देयरफॉर निल 7,500। फिर उसके बाद यहां पे आ जाएगा डायरेक्ट मटेरियल और यहां पर आ जाएगा डायरेक्ट लेबर। तो यहां पे डायरेक्ट मटेरियल, यहां पे आ जाएगा डायरेक्ट लेबर। $11,200 याद रखना। ये जो अमाउंट्स है ना बेटा, इसके अंदर किसी का प्रॉफिट हो भी नहीं सकता, ऑब्वियस बात है इन दिस पर्टिकुलर केस, क्योंकि ये तो अपने खर्चे हैं। हम लोगों ने किसी अपने डिपार्टमेंट से मटेरियल वगैरह नहीं खरीदा हुआ है। सो दिस फिगर ऑब्वियसली इज गोइंग टू बी 0 ओनली। ओके, 11,200। अच्छा, अब मेरी बात कान लगा के सुनना, क्योंकि यही गलती एग्जाम्स के अंदर भी करोगे अगर मैं नहीं बोलूं तो। ये लिख लिया, मैं टिक मारता हूं, ये लिख लिया, ये लिख लिया। डायरेक्ट एक्सपेंसेस तो चलो है ही नहीं, मैं वो डिलीट कर देता हूं। ठीक है, अच्छा इसके बाद फैक्ट्री ओवरहेड्स। फैक्ट्री ओवरहेड्स आना है, मेरे को मालूम है, ध्यान से सुनना मेरी बात। फैक्ट्री ओवरहेड्स आना है, मेरे को मालूम है, लेकिन मेरे को एक और चीज भी मालूम है, और वो क्या है? सुनो, यहां पे ना एक लाइन लिखा हुआ है स्टॉक्स इन प्रोसेस। स्टॉक्स इन प्रोसेस बोले तो WIP स्टॉक आर वैल्यूड एट प्राइम कॉस्ट। मैं तुमको अगर मेरा कॉस्ट शीट दिखाऊं तो शायद मेरे पास वो वाला फाइल होगा, कॉस्ट शीट। ठीक है, तुम लोग मेरे को ये वाला चीज तो बोल ही पाओगे। ठीक है, सुनो, दिस इज सुपर मेस्ड अप। हम लोगों ने पहले दिन कुछ ऐसा काम किया था, बाय गॉड। सुनो, अभी अगर ये वाली कॉस्ट शीट मैं तुम लोग को दिखाऊं तो, ठीक है, मेरे को जरा बोलो इस कॉस्ट शीट के अंदर WIP स्टॉक्स आर वैल्यूड एट कॉस्ट। ठीक है, मेरे को बोलो कॉस्ट के अंदर कौन कौन से कॉस्ट आते हैं जो आप WIP के ऊपर लिखोगे। बोले तो चार कॉस्ट आते हैं, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, फैक्ट्री ओवरहेड्स। लेकिन अगर मैं तेरे को एक लाइन बोलूं WIP स्टॉक कंपनी का पॉलिसी है, इट इज वैल्यूड एट प्राइम कॉस्ट। बोले तो WIP अकाउंट के अंदर क्या, WIP स्टॉक के अंदर क्या नहीं जाना चाहिए? बोलो फैक्ट्री ओवरहेड्स। तो मेरे को जरा बोलो तुम लोग कॉस्ट शीट का फॉर्मेट कैसे चेंज करते? फैक्ट्री ओवरहेड्स को ऊपर से निकाल के नीचे डाल दो। अगर हम लोगों ने कभी ऐसा कर दिया तो अब खुद ब खुद जरा सोच, WIP स्टॉक विल स्टिल गेट वैल्यूड एट कॉस्ट, लेकिन कॉस्ट के अंदर विच ऑल कॉस्ट विल गो? बोलो 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 बोलो, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। मतलब व्हाट विल नॉट गो इन दिस केस? फैक्ट्री ओवरहेड्स। मतलब स्टॉक विल गेट वैल्यूड एट प्राइम कॉस्ट, नो? तो बस अभी आपको यही वाला काम करना है, ठीक है? तो बिफोर आई मूव अहेड इसका टोटल मार लो। मैं फैक्ट्री ओवरहेड्स भी लिखूंगा, इट्स नॉट दैट इट इज इरेज्ड फ्रॉम द थिंग्स, इट इज नॉट इरेज्ड, बट इट विल बी रिटन आफ्टर द क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है? इसका पहले सब चीजों का वो टोटल मार ले प्लीज। 7 + 15,000 + 11 33,700 नील 33,700। उसके बाद यहां पर पहले आप लोग क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू कर लो। क्लोजिंग स्टॉक तो अपने को दिया ही जाना चाहिए बेटा, यहां पे कुछ क्वांटिटी वगैरह तो है नहीं, तो सम ही मेरे को वो देगा ना, तो हर एक चीज। क्लोजिंग स्टॉक 3700 थोड़ी देर के बाद, एक सेंटेंस के बाद दिखेंगे। 3000 वो 700, ठीक है? अभी इसके अंदर भी यहां पर, इसके अंदर भी यहां पर स्टॉक रिजर्व तो हो नहीं सकता क्योंकि ये तो फर्स्ट प्रोसेस है, तो यही 3700 आ जाएगा, ठीक है? क्लोजिंग स्टॉक में क्रेडिट साइड पे लिखता, मैंने यहां पर ही लिख के लेस कर दिया। तो ये वाला फिगर 30,000 है, ये वाला फिगर 30,000 है। दिस फिगर इन दिस केस इज नील। चलो सुनो, ये वाला जो फिगर है ना तुम्हारा इस वक्त, ये वाला जो तुम्हारा फिगर है इस वक्त, दिस विल रिप्रेजेंट, एक मिनट देखो, शुरू में इतना मेरे पास इनकम्प्लीट गुड्स था, इतना मटेरियल और लेबर और डाला, इतना मेरे पास एंड के अंदर पड़ा हुआ है, बाकी आई मस्ट हैव ट्रांसफर्ड। तो एक सेकंड के लिए जरा रुको, यू ऑल डोंट राइट, दिस विल बी कॉस्ट ऑफ गुड्स ट्रांसफर्ड। ओनली थिंग इज अभी तक मैंने प्राइम कॉस्ट वाले खर्चे लिखे हैं, सो आई विल बी स्लाइटली मोर स्पेसिफिक। और अब तुम लोग यहां पे लिख लेना प्राइम कॉस्ट ऑफ गुड्स ट्रांसफर्ड, क्योंकि अभी तक फैक्ट्री ओवरहेड्स लिखा ही नहीं ना, तो यहां पे लिख लेना प्राइम कॉस्ट ऑफ गुड्स ट्रांसफर्ड। चलो सुनो, तो दिस इज प्राइम कॉस्ट ऑफ गुड्स ट्रांसफर्ड। अभी याद रखना, ऐसा किधर नहीं बोला फैक्ट्री ओवरहेड्स का खर्चा नहीं हुआ, क्या बोला था? फैक्ट्री ओवरहेड्स स्टॉक के अंदर नहीं जाना चाहिए, इसलिए मैंने स्टॉक को वैल्यू कर लिया। आप अभी फैक्ट्री ओवरहेड्स का बात कर लो, तो लिखो ना अभी टू फैक्ट्री ओवरहेड्स। फैक्ट्री ओवरहेड्स का अपना जो खर्चा है, एक मिनट, अभी कॉस्ट शीट की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है? तो यहां पर तुम्हारा कितना है, 10,500। ऑब्वियसली इसके अंदर भी किसी का कुछ प्रॉफिट तो नहीं हो सकता, 10,500। अच्छा, अगर इस फिगर को 40,500 को बेटा कुछ नाम देने का है ना, तो ज्यादा कुछ अजीब नाम नहीं दूंगा। इंस्टेड ऑफ प्राइम कॉस्ट, अभी तूने इसके अंदर फैक्ट्री के भी खर्चे वो डाल दिए, तो तुम इसको क्या बोल सकते हो? फैक्ट्री कॉस्ट ऑफ गुड्स ट्रांसफर्ड। अगर नाम देने का है तो वाई से तो नाम भी नहीं देता, बट दैट्स ओके, विल बी स्लाइटली मोर बेटर, विल बी स्लाइटली बेटर। चलो सुनो, अभी प्रोसेस 1 इज अबाउट टू ट्रांसफर द गुड्स टू प्रोसेस 2। सुनो, यही वाला जो अकाउंट है ना, अगर कोई मेरे को बोलता सर आपने ऐसा क्यों नहीं बनाया, मैं बना सकता था, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है ऑनेस्टली। तो ये वाला जो अकाउंट है ये कुछ ऐसे आता, 7,500, डायरेक्ट मटेरियल 15,000, दिस इज 11,200, दिस इज 10,500, दिस इज 3,700, ठीक है? ये सब का जो नेट फिगर है ना, तुमको समझ में आएगा वो 40,500 ही तो है। बट नाउ इट इज टाइम फॉर अस टू ट्रांसफर गुड्स ऑफ प्रोसेस वन टू प्रोसेस टू। सो मैं क्या करूंगा, ये जो भी 40,500। अच्छा एक सेकेंड कुछ दिख तो अभी दिखाई दे रहा है। हाँ सर अब सुनेगा। चलो सुनो, आई विल रिपीट दिस पर्टिकुलर पार्ट। देखो अगर मैं अपना अकाउंट कुछ ऐसे बनाता तो ये आता और उसके बाद ये वाला फिगर आ जाता, ठीक है। ये सबका नेट अमाउंट ऑब्वियसली 40,500 है, ठीक है। तो फर्स्ट डिपार्टमेंट का जो कॉस्ट है ना 40,500 है, लेकिन इट विल नॉट बी ट्रांसफरिंग द थिंग्स एट कॉस्ट। इट विल हैव अ मार्कअप ऑफ 1/4 ऑफ ट्रांसफर प्राइस। 1/4 ऑफ ट्रांसफर प्राइस इज 1/3 ऑफ कॉस्ट। तो आप लोग यहां पर अभी लिख के रखो टू कॉस्टिंग P&L अकाउंट। यहां पर अभी छोटा छोटा लिख देना 1/4 ऑफ टीपी / 1/3 ऑफ कॉस्ट। $40,500 का 1/3 मारो बेटा, 13,500। सुनो 13,500 में एक्सट्रीम राइट हैंड साइड के कॉलम के अंदर पहले लिख रहा हूं। क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि दैट विल गिव मी द ट्रांसफर प्राइस। इट विल टेल मी एट व्हाट प्राइस और एट व्हाट टोटल अमाउंट डिपार्टमेंट वन विल ट्रांसफर द थिंग्स टू डिपार्टमेंट टू। तो ये वाला चीज कितना आ जाएगा 54,000, ठीक है। ये हो गया एक चीज। दूसरा यही 13,500 इधर भी डाल रहा हूं क्योंकि दिस इज प्रॉफिट अर्नड बाय समबडी इन मिडिल। मेरे को यहां पे ये वाला कॉलम इसी के लिए चाहिए था, प्रॉफिट ऑफ एनी डिपार्टमेंट, ठीक है। बस यहां पर डैश डाल रहा हूं और अभी यहां पे टोटल्स लिख रहा हूं 40,500 13,500। एक सेकेंड जरा रुकना। यहां पर ऑब्वियसली दिस थिंग विल बी गेटिंग ट्रांसफर टू प्रोसेस टू ओवर हियर। एक सेकेंड के लिए लास्ट टाइम जरा रुको। अगर मैं यही वाला अकाउंट कुछ ऐसे बनाता ना टी फॉर्म के अंदर, जो तुम लोग को बहुत अच्छा लगता है, तो कोई मेरे को बताएगा कि यहां पर अमाउंट कितना आता 54,000 और डेबिट साइड पे कॉस्टिंग P&L अकाउंट का जो फिगर है वो कितना आ जाता 13,500, ठीक है। इट्स ओनली दैट मैंने ये वाला काम कुछ ऐसे नहीं किया, ये वाला काम कुछ ऐसे किया। तुमको जो रीजन है नेक्स्ट प्रोसेस के ना समझ में आ जाएगा। इसको कंप्लीट कर लो। एक मिनट बस। हाँ चलो सुनो, अपना इससे प्रोसेस वन जो है ना, हेलो हाँ फाइनेंशियल कॉलम बेटा टाइम पर ज्वाइन किया करो। फाइनेंशियल कॉलम बेटा अभी ऊपर तेरा ऊपर मेरा ऊपर तो कैसे पता चलेगा, बोलना फिर। सर अमाउंट वापस ज़ूम करके ला रहे हैं। कौन सा ये वाला? सर फाइनेंशियल कॉलम के ऊपर कुछ कवर हो जा रहा है। अमाउंट ऑफ फाइनेंशियल कॉलम सर वो ये वाला। एक मिनट, आई विल रिपीट ऑल द फाइनेंशियल कॉलम्स के अमाउंट, तो वो चलेगा नहीं सर? हो गया चलो ठीक है, ओके चलो थैंक यू, मैं बच गया। चलो सुनो मेरी बात, प्रोसेस वन इज ऑल टुगेदर डन। अभी आप लोग प्रोसेस टू का एक सिमिलर कॉलम जरा बनाओ ना, एक सिमिलर अकाउंट बनाओ। थोड़ा सा 3 या 4 लाइन के लिए तो ज्यादा बनाना। प्रोसेस टू अकाउंट नेक्स्ट पेज पे बनाना है किसी अप्रॉक्सीमेटली मेरे को हाफ साइड से 1 या 2 लाइन तो वो ज्यादा चाहिए। तो आप लोग वो देख लो किधर बनाना है। बस इस सम के अंदर जो भी आने वाला है वो इसी क्वेश्चन के अंदर चीजें आने वाली हैं। चलो सुन, मैं ना साथ में अभी एक और काम कर रहा हूं, ये तुम लोग को अभी करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम लोग को वो एंड के अंदर ही करना है। कभी ना कभी मेरे को बैलेंस शीट भी बनाने का होगा, कभी ना कभी तो बनाऊंगा ना यार। बैलेंस शीट के एसेट साइड पे स्टॉक आता है, स्टॉक के अंदर WIP स्टॉक आता है, ठीक है। WIP के अंदर प्रोसेस 1 आएगा, प्रोसेस 1 का देखो जो क्लोजिंग स्टॉक है 3700 है। दो क्वेश्चन पूछता हूं, कल भी पूछा था, इज दिस एट कॉस्ट टू डिपार्टमेंट 1? यस। इज दिस एट कॉस्ट टू द कंपनी ऑल्सो? यस, क्योंकि डिपार्टमेंट 1 ने और किसी से नहीं खरीदा हुआ है, ठीक है। चलो, तो जब हम लोग बैलेंस शीट बनाएंगे ये डायरेक्टली आउटर कॉलम के अंदर आ जाएगा, अभी नहीं बनाना प्लीज, अभी नहीं बनाना। कभी ना कभी फ्यूचर के अंदर कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी अपना बनने वाला है फ्यूचर के अंदर। ओके सुनो, जब ये वाला अकाउंट बनाऊंगा तो एक चीज तो देखो, अभी मैंने प्रोसेस 1 से कुछ ना कुछ कॉस्टिंग पीरियड अकाउंट को ट्रांसफर किया ना यार, 13,500। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं बाय प्रोसेस 1 13,500, ठीक। आई एम जस्ट ट्राइंग टू रिमेन लाइक यू नो एज कॉन्शियस एज पॉसिबल कि बाद में अपने को यहां पर दो काम करने का और है जो लास्ट में दिया हुआ था। ऑल्सो फाइंड आउट द रियलाइज प्रॉफिट, तो आपको यहां पर कॉस्टिंग पी एंड एल अकाउंट चाहिए, एंड शो स्टॉक वैल्यूएशन फॉर बैलेंस शीट पर्पस। तो इसलिए मैं यहां पे ये वाले दो काम कर रहा हूं, ठीक है। चलो, अभी इस चीज के साथ आई एम प्रोसीडिंग नाउ टू माई नेक्स्ट वेंचर प्रोसेस 2, ठीक है। प्रोसेस 2 के अंदर यहां पर जरा लिखिए टू ओपनिंग स्टॉक, तो ओपनिंग स्टॉक प्रोसेस 2 का बेटा 9,000 रुपए का है। इस 9,000 रुपए के अंदर किसी ना किसी का तो प्रॉफिट भी है, और वो ऑब्वियसली सम ही अपने को देगा। अपने को कैसे पता चलेगा बेटा? 1,500 रुपया 9,000 माइनस 1,500 कॉस्ट टू द कंपनी विल बी 7,500। अच्छा, मैं तुमको एक चीज बोलूं, देखो तुमको समझ में आएगा। लास्ट ईयर का जब बैलेंस शीट बना होगा ना, वहां पे एसेट साइड पे करंट एसेट भी होएगा, उसके ना स्टॉक भी होएगा, स्टॉक के ना WIP भी होगा, WIP के ना प्रोसेस 2 भी होगा, और प्रोसेस 2 वाला फिगर 7,500 लिखा गया था। इज दैट ऑल ओके? बिकॉज दैट इज कॉस्ट टू द कंपनी, नो? तो 7,500 लिखा गया था अगर लास्ट ईयर का बैलेंस शीट कभी बनाते तो, ऑल्दो वी आर हेल इंटरेस्टेड यार, ठीक है। अच्छा, एक मिनट, मेरे को एक चीज जरा बोलो, इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन स्टॉक्स इन प्रोसेस आर वैल्यूड एट विच कॉस्ट? प्राइम कॉस्ट। तो आप लोग प्राइम कॉस्ट का ही आइटम्स लिख सकते हो। तो प्राइम कॉस्ट का आइटम्स मतलब मटेरियल एंड लेबर, ठीक है। लेकिन मेरे को जरा बोलो, मटेरियल, एक तो ये वाला मटेरियल है घोंचू लोग जो सम के अंदर है, इसके अलावा एक बहुत बड़ी चीज आनी बाकी है, मेरे को बोलो क्या? ट्रांसफर फ्रॉम प्रोसेस 2, ट्रांसफर, एक मिनट, आउटपुट ऑफ प्रोसेस 1 इज, बोलो, इनपुट नहीं बोलने का मेरे को, इट इज मटेरियल कॉस्ट फॉर प्रोसेस 1। इनपुट बोले तो मटेरियल कॉस्ट होता है, ओके। तो यहां पर आप लोग लिख के रखो टू प्रोसेस 1 ब्रैकेट में मटेरियल, और जो आखिरी लाइन थी उधर वो यहां पे ये वाली लाइन बन जाएगी 40,500 13,500 54,000। ठीक है, आगे अभी बाकी मटेरियल्स भी तो लिखो, बाकी लेबर भी तो लिखो। तो बाकी मटेरियल 15,750 बाकी लेबर 11,250 बस अभी अपने को टोटल मारना पड़ेगा। मेरे को बोलो अभी अभी टोटल क्यों मारने का है, मैं फैक्ट्री ओवरहेड्स क्यों नहीं लिख सकता। इसके बाद स्टॉक्स इन प्रोसेस आर टू बी वैल्यूड एट प्राइम कॉस्ट। एक मिनट, ये 90,000 आता है, 15,000 आता है, 75,000। अभी मैं नेक्स्ट लाइन जब लिखेगा ना, तुमको सब कुछ समझ में आ जाएगा कि मैंने बाकी दो कॉलम्स क्यों बनाए। ठीक है, ऑल पजल्स विल गेट सॉल्व्ड ओवर हियर। यहां पर बाय क्लोजिंग स्टॉक, तो क्लोजिंग स्टॉक तो समी अपने को देगा 4500 का। अच्छा, अब मेरे को सब लोग जरा बोलो 4500 के अंदर क्या किसी का प्रॉफिट है? होएगा ना यार। प्रोसेस टू का क्लोजिंग स्टॉक विल हैव स्टॉक रिजर्व्स नो यार। और देखो वो वाली चीज के लिए भी मैं क्या करूंगा, तुमको इंपॉर्टेंट समझ में आ जाएगा मैंने बाकी दो कॉलम क्यों बनाए। 90,000 के अंदर 15,000 रुपीज का प्रॉफिट है, तो 4500 के अंदर कितने का प्रॉफिट होएगा। ठीक है, तो बस मैं यहाँ पे वही वाला कैलकुलेशन लिखने जा रहा हूं। तो इधर एक एस्ट्रिक डालो सब लोग, इधर एक एस्ट्रिक डालो। तो यहाँ पे ये वाला कैलकुलेशन लिखना 4500 इंटू 15,000 डिवाइडेड बाय 90,000। तो 750 आ जाएगा। सुनो, तो दिस फिगर माइनस दिस पर्टिकुलर फिगर विल गिव मी कॉस्ट टू द कंपनी 3750. This will give you like your previous process prime cost of goods transferred. ये प्रोसेस टू का प्राइम कॉस्ट है। उसके बाद टू फैक्ट्री ओवरहेड्स, दिस विल गिव यू फैक्ट्री कॉस्ट ऑफ गुड्स ट्रांसफर्ड। फिर उसके बाद हम लोग प्रॉफिट चार्ज करेंगे टू कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और यहां पर आ जाएगा बाय फिनिश गुड्स। चलो ब्लैक कलर के अंदर ही लिखता हूं। कंप्यूट करो 71,250, 14,250, 85, 500। आगे फर्दर यहां पर फैक्ट्री ओवरहेड्स का जो अमाउंट है 4500 है, तो 4500 यहां पर तो डैश ही आएगा। 4500 इज आवर खर्चा यार, तो 90,000, 14,250, 75,750। अच्छा सुनो, अभी मैं तुमको कुछ और लालच तो नहीं दे सकता, लेकिन क्लास में होते आई कुड हैव टोल्ड यू तुमको चॉकलेट देगा, अभी वो तो नहीं दे सकता, वर्चुअल है। मेरे को तुम लोग ये वाला लाइन पढ़ो, ये वाला लाइन पढ़ो, और मेरे को प्रॉफिट का अमाउंट निकाल के बताओ। मैं रब कर देता हूं क्योंकि वरना मेरे अलावा किसी को कुछ दिखाई भी नहीं देगा। और मेरे को मैसेज करो ना, चलो मेरे को वो बोलना मत, प्राइवेट मैसेज के अंदर भेजो ये वाला चीज। मेरे को प्रॉफिट बताना, प्रोसेस टू का प्रॉफिट कितना। ये वाला लाइन पढ़ के अपने अकाउंट्स देखो जो तुम लोगों ने बनाए, और मेरे को आंसर बताओ। साक्षी गलत, कुशाल करेक्ट, अमर रॉन्ग, ध्रुव रॉन्ग, श्रीधर रॉन्ग, साक्षी करेक्ट। शुभम रॉन्ग, सृष्टि रॉन्ग, तनिषा रॉन्ग, अभिषेक करे, कृषा रॉन्ग, प्रथम रॉन्ग, आदर्श रॉन्ग, उज्जवल करेक्ट, करण रॉन्ग, नरेन करेक्ट, प्रथम रॉन्ग, आगोश करेक्ट, आशी रॉन्ग, साक्षी करेक्ट, मैंने बोल दिया था पहले भी, ध्रुव करेक्ट, क्रिश रॉन्ग, कुणाल सराफ रॉन्ग, रोशन करेक्ट। चलो सुनो, देखो यहां पे लिखा हुआ है 20% प्रॉफिट ऑन ट्रांसफर प्राइस, तो यहां पे लिखना जरा प्लीज 1/5 of TP/1/4 of cost। आदर्श रॉन्ग, सुनो अभी 1/4 of cost को बोलते सर 1/4 of cost तो 1/4 of दिस आएगा, ऑब्वियसली रॉन्ग बेटा, ऑब्वियसली रॉन्ग। ओके, एवरी डिपार्टमेंट विल चार्ज प्रॉफिट ऑन देयर कॉस्ट, दिस फिगर इज नॉट कॉस्ट ऑफ डिपार्टमेंट 2। अभी तो बोलो दिस इज कॉस्ट ऑफ कंपनी बेटा। ओके, अपने को तो डिपार्टमेंट का कॉस्ट, अगर ये चीज समझ में नहीं आता, तुमको एक क्वेश्चन पूछता है उसका आंसर देना, मेरे को बोलो प्रोसेस टू के लिए व्हाट वाज द कॉस्ट ऑफ दिस मटेरियल, वाज इट 4500 के 54000? सोच के बोलना, 54000। तो ऑब्वियसली इन दिस पर्टिकुलर केस यहां पर 54,000 जो है दैट इज द कॉस्ट, सो देयरफॉर दिस इज द कॉस्ट ऑफ द प्रोसेस 2। तो एवरी डिपार्टमेंट विल चार्ज द प्रॉफिट ऑन देयर कॉस्ट। ओके, सो देयरफॉर यहां पे ना कॉस्ट ऐसा मार्क करके लिखना, 90,000 का ये मारो, Sakshi, because I'm only replying to somebody who has asked, other people don't get confused. Sakshi, because you are going to be adding material and labor more and hence the profit percentages will be changing. Okay, आप लोग ये सब चीजें add कर रहे हो and hence that percentage will be changing. चलो इसका 1/4 कितना होता है बेटा, 22,500। तो दिस इज, एक मिनट, ये 22,500 इज अ प्रॉफिट अर्न्ड बाय समबडी इन मिडिल, सो देयरफॉर 22,500 75,750 36,500 ये कितना आता है बेटा 11,2500 बराबर है ये 36, ये कितना है बेटा 36,250 है, 750 है, 14,250 प्लस 22,500 36,950 सॉरी। अच्छा सुनो, नेक्स्ट काम तुम लोग नहीं कर रहे हो, ठीक है, मैं ये वाला काम कर रहा हूं। लिसन, कभी ना कभी यहां पर प्रोसेस 2 भी तो आएगा। प्रोसेस 2 का क्लोजिंग स्टॉक 4,500 है, दो ही क्वेश्चन हमेशा की तरह पूछता हूं, इज 4,500 एट कॉस्ट टू प्रोसेस 2, यस और नो? यस। बट इज इट एट कॉस्ट टू द कंपनी? नो। तो इसके अंदर किधर अपना स्टॉक रिजर्व है, सो देयरफॉर लेस स्टॉक रिजर्व। तो इसके अंदर कितने का स्टॉक रिजर्व था, 750। ऑनेस्टली आप लोग डायरेक्टली 3750 भी लिखोगे ना तो भी वो चलेगा, आई एम ओनली डूइंग इट ताकि यू ऑल रिमेंबर। सर इस स्टॉक रिजर्व का ना दो इफेक्ट होता है, दो इफेक्ट जो है वो किधर होता है, एक इधर आ जाएगा, आगे बोलो, और एक डेबिट साइड पे आ जाएगा टू क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व। तो ये आ जाएगा प्रोसेस 2 जो है 750, ठीक है। सो ये वाला काम तुम्हारा हो गया, लेकिन एक सेकेंड, अगर क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व डेबिट होएगा तो बेटा ओपनिंग स्टॉक रिजर्व जो है वो क्रेडिट भी तो होएगा, अपना कल बात हुआ था मेरे ख्याल से। तो यहां पर प्रोसेस 1 प्रोसेस वन के तो शुरू में वो होएगा ही नहीं, प्रोसेस टू के शुरू में यहाँ पे 1500 रुपए है, ठीक है, दैट इज वन थिंग। मैं बस सोच रहा हूं और कुछ एंट्रीज आया क्या प्रोसेस टू से, एक मिनट, एक ये वाली एंट्री हम लोगों ने कर दी, ठीक है, 13,500 तो क्रेडिट में लेकर चले गए थे प्रोसेस वन के थ्रू, क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व भी डेबिट साइड में मार दिया, और देखो यहां से एक फिगर कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को गया ना, तो मैं कॉस्टिंग पीएनएल अकाउंट के क्रेडिट साइड पे आई एम गोइंग टू बी राइटिंग ओवर हियर बाई, यहां पर क्या आ जाएगा बेटा प्रोसेस टू, ये वाला फिगर कितने का है 22,500, ओके। तो एग्जैक्टली जो चीज वहां पर हो रहा है वो यहां पर भी कभी ना कभी तो होना ही है, आई एम राइटिंग द थिंग्स विद इट ओनली, ठीक है। चलो ये वाला काम तुम्हारा हो गया। लास्ट अकाउंट तकरीबन इतने ही लाइंस का, एक लास्ट अकाउंट जरा बनाना, फिनिश गुड्स अकाउंट, राइट डाउन, और बिल्कुल इसी फॉर्मेट के अंदर बनाओ, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व्स डेबिट करते हैं। वी क्रेडिट ओपनिंग स्टॉक रिजर्व विद द अजम्पशन, कल सेम वर्ड बोले थे, आज भी सेम ही वर्ड वो बोल रहा हूँ। वी क्रेडिट द ओपनिंग स्टॉक रिजर्व्स विद द अजम्पशन दैट दीज प्रॉफिट्स विल गेट रियलाइज्ड इन दिस ईयर, एंड इन केस वी डू नॉट रियलाइज बिकॉज वी डोंट सेल अगेन वी विल मेक क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व्स, कल सेम वर्ड बोले थे मैंने, सर। ओपनिंग स्टॉक है इसमें सब प्रोसेस वन प्रोसेस टू वो कहाँ से आता है सर? लास्ट ईयर के, हाँ, जो हर एक प्रोसेस के शुरू के अंदर है, जैसे इस साल का क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व आया, अभी सेम थिंग विल बिकम नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग स्टॉक, नो ओके। किधर दिखाया बेटा अभी तक बैलेंस शीट के अंदर? तो किधर दिखाया बैलेंस शीट के अंदर? ये वाला जो फिगर है इधर 11,250, ये वाला फिगर बैलेंस शीट के अंदर आ ही नहीं सकता। तो सब लोग मेरे को बोलो ये वाला फिगर वो गलत है, मेरे को बोलो क्यों? क्योंकि इसके अंदर स्टॉक रिजर्व्स भी हैं, इसके अंदर वो सारे प्रॉफिट हैं जो P1 ने भी कमाए और P2 ने भी कमाए, ओके। तो ऑब्वियसली ये वाला फिगर नहीं आ सकता, तो बाद में इसके अंदर से अपने को यहां पर क्या लेस करना पड़ेगा? स्टॉक रिजर्व, और वो वाला चीज करने के लिए ही फिनिश गुड्स अकाउंट बना रहा हूं, लिखिए। चलो सुनो, तो जैसे पहले वाले काम किए हम लोग वैसे ही काम कर लेते हैं। तो यहां पे लिखना, प्लीज याद रखना, दिस इज नॉट अ प्रोसेस अकाउंट, दिस इज अ फिनिश गुड्स अकाउंट। तो यहां पे सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक जो है 22,500 है, ठीक है। आगे प्रॉफिट, प्रॉफिट उसके अंदर 8,250 का है, 8,250 सब्ट्रैक्ट करो, 22,500 माइनस 8,250 14,250, ठीक है। आगे टू, ऑब्वियसली प्रोसेस टू से इधर गुड्स आ जाएंगे, टू प्रोसेस टू, और वो यही वाली लाइन मेरे को चाहिए बेटा। तो दिस इज 75,750, 36,750, 112,500, तो ये कितना आ जाता है 1,35,45,090,000, उसके बाद यहां पर बाय क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक 11,250, ऑब्वियसली इसके अंदर स्टॉक रिजर्व भी तो होगा, सो देयरफॉर इन दिस पर्टिकुलर केस वही वाला काम करेंगे बेटा जो पहले किया था। 11 250। मेरे को बोलो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में कैसे करूं, तो 11 250 तो आगे बोल इंटू 45,000 डिवाइडेड बाई 135। तो 11 250 3750 7,500। अच्छा मैं वैसी एक क्वेश्चन पूछूं, तुम्हारा मेमोरी थोड़ा बहुत अच्छा है, मेमोरी थोड़ा बहुत अच्छा है, थोड़ा सा चलो। अभी किसी ने तो बोला हाँ, तो मैंने ना तुम लोग को 2 दिन पहले एक क्वेश्चन कराया था जहां पे बहुत सारे अकाउंट्स मैंने कराए थे। ऑल्दो वो अकाउंट्स बहुत ज्यादा काम के नहीं थे क्योंकि एंड के अंदर आपने वो कॉस्टिंग पीएनएल अकाउंट ही बनाने का था, लेकिन उस क्वेश्चन के ना मैंने बीच में ना तुम लोग को फिनिश गुड्स अकाउंट भी बना के दिखाया था। फिनिश गुड्स अकाउंट कुछ ऐसे बनता है, एक ओपनिंग स्टॉक होता है, एक WIP होता है, उसके बाद यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक होता है। तुम लोग को शायद याद होगा कि यहाँ पे COGS होता है, फिर उसके बाद ये जो COGS है COGS अकाउंट में जाएगा, वहां से कॉस्ट ऑफ सेल्स के अंदर जाएगा, कॉस्ट ऑफ सेल्स के अंदर एडमिन और S&D ऐड हो जाएगा और उसकी याद आ गया, और उसके बाद दैट फिगर विल गो टू कॉस्टिंग पीएनएल अकाउंट। कॉस्टिंग पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड पे कॉस्ट ऑफ सेल्स आएगा, कॉस्टिंग पीएनएल अकाउंट के क्रेडिट साइड पे बोलो 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 बाय सेल्स आ जाएगा, एंड अल्टीमेटली डिफरेंस विल बी नथिंग बट योर प्रॉफिट। नो, तो इन दिस केस मैं ये वाली चीज को यहाँ पे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बोल देता हूं, ठीक है। तो दिस इज 82,500 41,250 123,750, ठीक है। दिस इज COGS। अच्छा मैं क्या बोलता हूं, इस सम के अंदर जरा घूर घूर के देखो एक बार, सम के ना एडमिन और S&D है क्या, सम के ना एडमिनिस्ट्रेशन और S&D ओवरहेड्स है क्या, नहीं है ना। तो देन सेम पर्टिकुलर फिगर कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज कॉस्ट ऑफ सेल्स, ठीक है। अभी आगे तुम लोग कुछ नहीं कर रहे हो, मेरे को मालूम है इस अकाउंट के अंदर 2-3 लाइन बाकी है, आई एम अवेयर ऑफ दैट, ठीक है। तुम लोग कुछ नहीं कर रहे हो, सुनो मैं ना कॉस्टिंग पीनल अकाउंट की तरफ बढ़ रहा हूं, ठीक है। उससे पहले मेरे को बैलेंस शीट दिखा, तो बैलेंस शीट के अंदर मेरे को स्टॉक रिजर्व की एंट्री वो मारनी पड़ेगी, ठीक है। सो देयरफॉर 3750 यहां से लेस हो जाएगा, ठीक है, और यहां पे आ जाएगा 7,500। मेरे को बोलो 3750 का दूसरा इफेक्ट बताओ 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 बताओ। तो डेबिट साइड पे 3750, तो क्रेडिट साइड पे ओपनिंग वाला भी तो आ जाएगा, ओपनिंग वाला 8250। मेरे को जरा बोलो इज दिस ओके, यहां तक कुछ टेंशन नहीं, यहां तक कोई टेंशन नहीं। तो सुनो, इससे मेरा ना बैलेंस शीट का काम जो है खत्म हो गया। 3700 प्लस 3750 प्लस 7500, ठीक है। दिस इज 14,950। माई बैलेंस शीट का वैल्यूएशन इज ओवर, ठीक है। बैलेंस शीट के ना सिर्फ आपको स्टॉक वाला पार्ट ही दिखाने का था। अभी कॉस्टिंग पीएनएल अकाउंट के क्रेडिट साइड पे ऑब्वियसली क्या आता है, सेल्स। देखो क्वेश्चन के ना सेल्स दिया हुआ है अपने को 1,40,000, तो मैं इधर डाल देता हूं सेल्स, ठीक है। डेबिट साइड पे क्या आता है भाई लोग, कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल्स मैंने अभी अभी तो निकाला, कॉस्ट ऑफ सेल्स विल बी 123,750। याद रखना दिस इज द ओनली कॉलम दैट इज देयर, दिस इज द ओनली कॉलम दैट इज देयर। दिस इज 123,500, ठीक है। तो दिस इज कॉस्ट ऑफ सेल्स, ठीक है। 120, एक मिनट वो कितना था, 123,750, ठीक है, 123,750, ठीक है। अभी सब लोग मेरे ऊपर एक एहसान तो करना, मेरे ऊपर एक एहसान करना नहीं। सुनो वो फालतू डायलॉग मत बोला करो, वो किसी बेकार बंदे का। तो सुनो मेरी बात, अभी मेरे को यहां पर तुम लोग प्रॉफिट निकाल के दो। मैंने यहां पे क्या पागलों की तरह, ये तो कॉस्टिंग पीनल अकाउंट है ना, दिस विल बी प्रॉफिट, ठीक है। मेरे को इधर प्रॉफिट तो निकाल के दो, इस 57,500 को कल हम लोगों ने एक नाम दिया था, दिस इज रियलाइज प्रॉफिट, ओके, दिस इज रियलाइज प्रॉफिट। अभी इंस्टीट्यूट क्या करता है ना, उन लोगों को कॉस्टिंग पीएनएल अकाउंट समझ में नहीं आता, वो बेचारों को कौन समझाए कि कॉस्टिंग पीएनएल अकाउंट वो ऐसे बनता है। तो वो लोग क्या कर लेता है, ध्यान से सुनना जरा, और तुम लोग भी एग्जाम्स के ना वो वाला काम करेगा तो चल जाएगा। देखो 57,500 तुमको डायरेक्टली अभी इसी अकाउंट के अंदर भी दिख जाएगा, Although it is wrong for me to be doing, लेकिन इंस्टीट्यूट करता है तो मेरे को लगता है आई एम ऑल्सो ओके इन डूइंग इट यार। वो लोग क्या करता है, इसी अकाउंट के अंदर ना सेल्स का एंट्री डाल देता है, ठीक है, बिल्कुल राइट हैंड साइड पे 1,40,000, ठीक है, 1,40,000 किया, 1,40,000 माइनस 123,750, जरा करो ना एक बार, 16,250, ये वाला प्रॉफिट किसी ने तो बीच में वो कमाया, इनफैक्ट ये वाला प्रॉफिट तो कंपनी ने कमाया क्योंकि दीज गुड्स आर बीइंग सोल्ड, 16,250 वो लोग इधर ट्रांसफर कर देता है 16,250 बस, और उसके बाद टोटल्स मार देता है, टोटल्स मारेगा 82,500, ये दोनों का टोटल मार लेना, दिस विल बी 57,500 एंड दिस इज नथिंग बट योर रियलाइज प्रॉफिट ओनली। तो इंस्टीट्यूट ने ना आज तक का वो कभी भी कॉस्टिंग पी एन एल अकाउंट तो बनाए नहीं, शायद उनको आता ही नहीं है, ओके, लेकिन उनको लगता है हम लोग ये वाला झोल वाला काम करके आंसर वो ले आएगा, तो फिर तुम लोग भी वो वाला चीज फिर कर ही लेना इन एग्जाम, इट सेव्स योर टाइम। और अगर थोड़ा बहुत तुम्हारे अंदर भेजा है ना तो तुम लोग को समझ में आ जाएगा, सर कॉस्टिंग पी एंड एल अकाउंट इज सेम एज माय प्रॉफिट कॉलम ओनली, सर इट इज एग्जैक्टली सेम ओनली। देख 16,250 के बदले में कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा, आप लोगों ने ये लिखा और ये लिखा तो 16,250 आ गया, बाकी जरा सोचो ये वाले दो फिगर्स तुम लोगों ने कभी ना कभी ऐड ही किए, ये वाले दो फिगर्स कभी ना कभी लेस ही किए, और ये वाले दोनों फिगर्स कभी ना कभी ऐड ही किए यार, ओके, तो जो तुम्हारे प्रॉफिट वाले कॉलम के अंदर हुआ ना एग्जैक्टली सेम चीज यहां पर भी हुआ एंड हेंस द प्रॉफिट विल बी सेम। इज दिस ओके फॉर एवरीबडी? ठीक है, तो दिस थिंग यू कैन मेक इट फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन बट इन एग्जाम्स इट इज नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है, आई विल गिव यू दैट पर्टिकुलर नोट ऑल्सो, लेकिन अभी के लिए आप लोग क्या करो, ये वाला चीज लिख लो ऐसे, इन एग्जाम्स यू आर गोइंग टू बी डूइंग दिस ओनली। हाँ बेटा कुछ रॉन्ग नहीं है, लेकिन क्या है सेल्स वगैरह ना डज नॉट कम इन फिनिश गुड्स अकाउंट, इट इज रॉन्ग, फिनिश गुड्स अकाउंट इज अ रियल अकाउंट यार, ऑल दो थिंग्स डोंट कम, दे कम इन कॉस्टिंग पी एंड एल अकाउंट, ये रॉन्ग अकाउंटिंग होती है, तो और कुछ नहीं है, दिस जस्ट अ वे टू बी गेटिंग द आंसर अकाउंटिंग, क्योंकि वी आर ट्राइंग टू मेक अकाउंट्स, हेंस आई एम ट्राइंग टू टेल यू दैट। सुनो इसके बाद ना एक नोट सब लोग लिखना और फिर कॉस्टिंग पी एंड एल अकाउंट कॉपी करना, लिखो इन एग्जाम्स, नहीं पहले वो लिखो जो मैं बोलता हूं, देखो इन एग्जाम्स फाइंड रियलाइज प्रॉफिट, इन एग्जाम्स फाइंड रियलाइज प्रॉफिट the way it is done above, full stop, although in reality a costing P&L account, although in reality a costing P&L account is prepared as under to find out realized profit. सुनो पहले तुम लोग ये वाला चीज कॉपी करना कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और उसके बाद फिर बैलेंस शीट वाला पार्ट जो इसके ऊपर है वो कॉपी करना, ठीक है, तो पहले ब्लू वाला काम कर लेना, उसके बाद ऊपर ब्लैक वाला काम करना, स्टार्ट करो। एक बार ये हो जाए फिर बैलेंस शीट कॉपी कर लो। एक मिनट और दे रहा हूं, कंप्लीट करो। चलो सुन, योर दिस वर्क इज ऑल टुगेदर डन। ठीक है, इस क्वेश्चन का एक बार शॉर्ट्स जो है आई एम ट्राइंग टू बी रीडिंग। इज एवरीबडी डन विद दिस? चलो सुन, इस क्वेश्चन के शॉर्ट्स के अंदर मैंने काफी चीजें वो लिखी हुई हैं। इन दिस प्रॉब्लम प्रोसेसेस गेट ट्रीटेड एज अ प्रॉफिट सेंटर इंस्टेड ऑफ कॉस्ट सेंटर, और वो सिर्फ इसी क्वेश्चन और नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर होएगा और कोई क्वेश्चन के अंदर नहीं होने वाला। वन प्रोसेसेस ट्रांसफर्स द गुड्स टू द नेक्स्ट प्रोसेस एट कॉस्ट प्लस मार्कअप, मार्कअप मतलब प्रॉफिट। इफ एनी गुड्स आर नॉट सोल्ड और प्रोड्यूस्ड, एक मिनट, इफ एनी गुड्स आर नॉट, एक मिनट, इफ एनी गुड्स आर नॉट सोल्ड लिखना, ओके बस। इट विल हैव अनरियलाइज्ड प्रॉफिट और स्टॉक रिजर्व। ठीक है, first process has not purchased from any other process, hence its stock will not have stock reserve. Company's profit will be sum of the profits of the each department adjusting it for stock reserve. See your costing profit and loss account. Okay, हम लोगों ने मेरे ख्याल से सारे के सारे पॉइंट्स किधर ना किधर तो किए। ठीक है, चलिए अभी तुम्हारा काम है और तुम लोग अभी अभी ही खत्म करने वाले हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 मैंने जितना टाइम इधर लिखा हुआ है ना उस टाइम को तुम लोग बीट करके दिखाओ मेरे को विद द आंसर्स। ठीक है, एक तुमको कंसेशन में दे रहा हूं, एंड दैट कंसेशन इज कॉस्टिंग पीएनएल अकाउंट बनाने की कोई जरूरत नहीं है। वो तो मैंने तुमको वो बोल भी दिया, एग्जाम्स के अंदर भी मत बनाना। ठीक है, रियलाइज प्रॉफिट तो वहां से भी आ जाता है। ठीक है, एक ही फर्क है, पहले 2 प्रोसेसेस थे अभी 3 प्रोसेसेस हैं, तो आप लोग एक ही बारी ना 2 पेज का रूलिंग वो कर लो, कॉस्ट प्रॉफिट अमाउंट। ठीक है, और फटाफट क्वेश्चन स्टार्ट करो। एंड के अंदर बस एक स्टॉक वैल्यूएशन एक्स्ट्रा काम करने का होगा। एंड के अंदर तुम्हारे आंसर के अंदर 2 रुपीज प्लस या माइनस ऑल दो थिंग्स आर ओके। ठीक है, तो वो चीजों का कोई फर्क वो नहीं पड़ेगा, क्योंकि दैट डिपेंड्स आप लोग जो राउंडिंग ऑफ है वो कैसे करते हो। अपने अमाउंट्स के कॉलम के अंदर छोटा पैसा मत लिखना, राउंड ऑफ कर देना। ठीक है, यू ऑल हैव दिस पर्टिकुलर टाइम टू बीट. ओके, मैं थोड़ी थोड़ी देर के बाद हर प्रोसेस का कुछ ना कुछ आंसर मैं लिखता रहेगा फॉर यू ऑल टू वेरीफाई. ओके, प्लीज स्टार्ट, प्लीज फिनिश. स्टार्ट करो. क्योंकि तुम लोगों ने आज ही ऐसा क्वेश्चन किया तो मेरे को लगता है 30 मिनट से ज्यादा नहीं लगना चाहिए. आई थिंक सो. किसी को प्रोसेस 1 का प्रॉफिट आया है तो मेरे को बता दो. $30,267 वो ठीक है बेटा. प्रोसेस 1 का P1 प्रॉफिट $30,267.